अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। नमस्कार, मैं हूं रवि शर्मा और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट डॉट टीवी। नजर डालते हैं आज के अब तक की 10 बड़ी खबरों पर। दूसरी लहर के दौरान बड़े पैमाने पर ऑक्सीजन की कमी से हुई मौतों को एक सिरे से नकारने पर केंद्र सरकार विपक्ष के निशाने पर है। सरकार का यही कहना है कि ऑक्सीजन की कमी से हुई मौत की कोई रिपोर्ट राज्यों से उन्हें नहीं मिली है। केंद्र के पक्ष में कई राज्यों के मुख्यमंत्री मैदान में उतर आए हैं। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत व बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने दावा किया है कि ऑक्सीजन की कमी से उनके राज्यों में मौत नहीं हुई है। इस पर शिवसेना के सांसद संजय राउत ने कहा है कि सरकार झूठ बोल रही है, सरकार पर इसके लिए मुकदमा दर्ज होना चाहिए। संजय का यह भी कहना है कि ऑक्सीजन की कमी न होने की बात सुनकर उन परिवारों पर क्या गुजरी होगी जिन्होंने अपने लोगों को खोया है। आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा है कि इस संकट काल में सरकार ने देश को अनाथ छोड़ दिया था, सरकार को पता ही नहीं था कि हो क्या रहा है। आप इस मुद्दे पर लोकसभा में सरकार के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लेकर आएगी। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा है कि केंद्र सरकार का जवाब पूर्णतः असत्य है। दिल्ली समेत देश के अन्य राज्यों पर ऑक्सीजन की कमी हुई थी। दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी से होने वाली मौत को लेकर हमने कमेटी बनाई थी, लेकिन उपराज्यपाल ने इसे नामंजूर कर दिया। अगर वो कमेटी होती तो सही डाटा मिल जाता कि ऑक्सीजन की कमी से कितनी मौतें हुई हैं। केंद्र ऑक्सीजन से मरने वाले के परिजनों जख्म पर नमक छिड़कने का काम कर रही है। प्रियंका गांधी ने कहा है कि ऑक्सीजन की कमी से देश में इसलिए मौत हुई क्योंकि केंद्र सरकार ने ऑक्सीजन निर्यात 700% तक बढ़ा दिया था। अस्पतालों में नए प्लांट भी नहीं लगवाए गए, ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था भी दुरुस्त नहीं कर पाई सरकार। कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि समस्या सुलझाने में नरेंद्र मोदी विफल रहे, लेकिन बलि का बकरा स्वास्थ्य मंत्री को बना दिया गया। दरअसल दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी से कितनी जाने गई, इस सवाल के जवाब में केंद्र सरकार का कहना था कि राज्यों से ऐसी कोई सूचना उन्हें नहीं मिली है, यानी ऑक्सीजन की कमी से मौत होने की कोई सूचना राज्यों से केंद्र को नहीं मिली है। कुल मिलाकर केंद्र राज्य और विपक्ष केंद्र की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर रहा है। आज दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने केंद्र सरकार और भाजपा पर हमला बोला। मनीष सिसोदिया ने कहा कि दूसरी लहर के दौरान पूरे देश में ऑक्सीजन की कमी को लेकर हाहाकार मचा था। कल जब संसद में सवाल उठा तो केंद्र सरकार ने बहुत बेशर्मी से सफेद झूठ बोला कि पूरे देश में ऑक्सीजन से कोई मौत नहीं हुई है। देश के अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी के चलते बड़ी संख्या में लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है। केंद्र सिर्फ अपनी गलतियां छिपाने के लिए झूठ बोल रही है। यह केंद्र सरकार की जिम्मेदारी थी और उसे यह जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। सिसोदिया ने यह भी कहा कि कल जिस बेशर्मी से झूठ बोला गया, आज उस बेशर्मी को उभारने के लिए भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। वह जिम्मेदारी लेने के बजाय झगड़ना शुरू कर देते हैं, केजरीवाल को गाली देना शुरू कर देते हैं, गैर बीजेपी मुख्यमंत्री को गाली देते हैं। केजरीवाल को गाली देने से उनके पाप नहीं छिपेंगे। आज से 100 साल बाद भी जब चर्चा होगी तो कहा जाएगा कि केंद्र सरकार ने अपनी मूर्खतापूर्ण नीतियों की वजह से देश को ऑक्सीजन के संकट में धकेला। अश्लील फिल्मों के कारोबार से जुड़ा राज कुंद्रा आज पश्मीना शॉल बेचते बेचते करोड़ों में खेलता है। राज के पिता लंदन में बस कंडक्टर थे जबकि माँ एक शॉप पर काम करती थी। 18 साल की उम्र में लंदन और फिर वहां से नेपाल, यहीं से राज ने पश्मीना शॉल का बिजनेस शुरू किया था। इसके बाद राज ने दुबई जाकर एजेंशियल जनरल ट्रेडिंग कंपनी स्थापित की। ये कंपनी मेटल कंस्ट्रक्शन माइनिंग की डील करने लगी। इसके बाद राज ने फाइनेंस और बॉलीवुड फिल्मों के प्रोडक्शन में हाथ डाला और देखते ही देखते वे लाखों करोड़ों में खेलने लगा। अब गंदे धंधे की काली कमाई का हिसाब मांगा जा रहा है। इस बीच राज की दूसरी पत्नी शिल्पा शेट्टी ने सुपर डांसर शो से छुट्टी ले ली है। शिल्पा की जगह करिश्मा कपूर संभालेंगी, ऐसी चर्चा है। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की हालत गंभीर बनी हुई है। पीजीआई अस्पताल में उन्हें लाइफ सपोर्ट पर रखा गया है। कल्याण सिंह को देखने के लिए आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी अस्पताल पहुंचे। शनिवार से पूर्व सीएम कल्याण सिंह की तबीयत चिंताजनक बनी हुई है। उन्हें मंगलवार शाम से जीवन रक्षक प्रणाली पर रखा गया है। अभी तक वे हाई फ्लो ऑक्सीजन पर ही थे। उनकी तबीयत अधिक बिगड़ने के बाद परिवार के लोगों को भी अस्पताल बुला लिया गया है।
नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब कांग्रेस के प्रमुख बन गए हैं, लेकिन उनके व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह के बीच चली आ रही खटास कम होने का नाम नहीं ले रही। सिद्धू ने आज अमृतसर में स्वर्ण मंदिर पर माथा टेका, साथ ही वह शक्ति प्रदर्शन से भी पीछे नहीं रहे। उनके साथ बड़ी संख्या में मंत्री और विधायकों का जमावड़ा भी दिखा। इसी जमावड़े को शक्ति प्रदर्शन माना जा रहा है। आज सिद्धू ने सुबह नाश्ते पर पार्टी विधायकों को बुलाया था। सिद्धू ने दावा किया है कि उनके पास 62 विधायकों का समर्थन है। पंजाब में कांग्रेस विधायकों की संख्या 80 है। उधर अमरिंदर सिंह का स्पष्ट मत है कि जब तक उनके खिलाफ की गई टिप्पणियों के लिए सिद्धू सार्वजनिक रूप से उनसे माफी नहीं मांगेंगे, उनकी उनसे मुलाकात नहीं होगी। यानी दोनों ही प्रमुख लोगों की तलवारें अभिमान से बाहर ही खिंची हुई हैं। पेगासस जासूसी मामले में अभी भाजपा की केंद्र सरकार अपना पीछा छुड़ा नहीं पाई थी कि इस बीच पश्चिमी बंगाल में भाजपा विधायक शुभेंदु अधिकारी ने अधिकारियों को चेताया है कि वे ऐसा कुछ न करें जो उन्हें जम्मू कश्मीर स्थानांतरित कर दिया जाए। उन्होंने दावा किया कि उनके पास भाईपो के ऑफिस से कॉल करने वालों के सभी कॉल रिकॉर्ड और फोन नंबर हैं। उनके पास राज्य सरकार है तो हमारे पास केंद्र सरकार। अधिकारी का यह दावा तब आया जब राज्य सरकार ने उनसे जुड़े कई मामलों की जांच शुरू की है। त्रिपाल चोरी के मामले में उनकी भूमिका की पुलिस जांच कर रही है और सीआईडी ने 2018 में उसके सुरक्षा गार्ड की संदिग्ध हत्या का मामला अपने हाथ में लिया है। भाजपा के सरधना मेरठ विधायक संगीत सोम ने असदुद्दीन ओवैसी को चेतावनी दी है कि यदि दम है तो वह उनके खिलाफ सरधना विधानसभा सीट पर आकर चुनाव लड़े। किसी चमचे को यहाँ से उनके खिलाफ न लड़ा है। जहां तक बात कुछ समय के लिए पुलिस हटाने की है तो यदि पुलिस हट गई तो सोच लेना क्या होगा। संगीत सोम का यह ताजा तरीन बयान उस वक्त आया है जब AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने इस बार यूपी विधानसभा चुनाव में भी उतरने की घोषणा की है। ओवैसी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों के दौरे पर हैं। संगीत सोम ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में 350 सीटों के साथ योगी आदित्यनाथ को फिर से यूपी का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी अब केंद्र की भाजपा सरकार के खिलाफ ताल ठोक दिया है। 16 अगस्त को बंगाल में खेला दिवस की घोषणा करते हुए ममता ने कहा कि हमारे फोन टैप हो रहे हैं। पेगासस खतरनाक और क्रूर है, वह किसी से बात नहीं कर सकती। हमें भाजपा की केंद्र सरकार को ऐसे कामों से रोकना होगा वरना देश तबाह हो जाएगा। बीजेपी ने संघीय ढांचे को गिरा दिया है। ममता ने कहा कि भाजपा एक अत्यधिक लोडेड वायरस पार्टी है। सुप्रीम कोर्ट से मेरा अनुरोध है कि फोन टैपिंग में स्वतः संज्ञान लिया जाए और कृपया लोकतंत्र और देश को बचाए। मेरा फोन टैप कर दिया गया है। 16 अगस्त को बंगाल में खेला दिवस होगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कोरोना की रफ्तार अवश्य धीमी पड़ी है, लेकिन यह अभी खत्म नहीं हुआ है। तीसरी लहर को आने से रोकने के लिए हमें अभी से सतर्कता बरतनी होगी। सरकारी गाइडलाइन का पालन करें। जब तक जरूरी न हो घर से न निकले। घर पर रहें, सेफ रहें। देखते रहिए फर्स्ट बाइट टीवी। नमस्कार।